आ अब लौट चले। इस गाने के बोल को आपने अच्छी तरह सुना होगा। इस गाने के बोल को बताने का क्या मतलब है, इस वीडियो में हम आपको पूरी तरह से बताएंगे। दरअसल गर्मियों में क्यों खाने चाहिए मिलेट्स, और मिलेट्स क्या होता है, आखिर क्या वजह है कि हमारे जो पूर्वज थे वो काफी ज्यादा दिन जिया करते थे और स्वस्थ रहा करते थे, इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार, आप टीडी न्यूज पर टीडी हेल्थ एपिसोड देख रहे हैं। और आज के इस एपिसोड में जैसा कि मैंने बताया आपको कि पुराने जो अनाज हुआ करते थे, यानी पुराने जो लोग हुआ करते थे, वो जो खाना खाया करते थे, उस खाने में और आज के खाने में, आज के भोजन में, आज के अनाज में बहुत का अंतर पाया जा रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा हम लोग खाद खा रहे हैं, इतना ज्यादा मिलावट की वस्तुएं खा रहे हैं कि दिन प्रतिदिन हमारा स्वास्थ्य गिरता चला जा रहा है और बीमारी घर करती चली जा रही है। मोटे अनाज को ही मिलेट्स कहा जाता है। ये दो तरह के होते हैं, मोटा दाना और छोटा दाना। मिलेट्स की कैटेगरी में बाजरा, रागी, वैरी, झंगोरा, कुटकी, चना और जौ आदि शामिल होते हैं। इनमें कैल्शियम, फॉलिक एसिड जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इनके सेवन से कई तरह की समस्याओं को कंट्रोल किया जा सकता है। मिलेट्स खाने के क्या क्या फायदे हैं, इन्हें कैसे खाना चाहिए, इन सब को लेकर हम एक एक्सपर्ट्स के रिसर्च के मुताबिक इस वीडियो में हम आप तक बहुत सारी जानकारियां पहुंचा रहे हैं। मिलेट्स में गेहूं और चावल की तुलना में अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इनमें एमिनो एसिड पाया जाता है। इनके अलावा मिलेट्स में कई तरह के फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेटिव के रूप में काम करते हैं। मिलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डाइटरी फाइबर का अच्छा स्रोत माना जाता है। इसके साथ ही ये कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैगजीन, जिंक और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन से भरपूर होते हैं। आप अपनी डाइट में मिलेट शामिल कर गंभीर बीमारियां जैसे मोटापा, डायबिटीज और अन्य बीमारियों से बच सकते हैं। ये ग्लूटेन फ्री होता है और इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है, लेकिन डाइटरी फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट अच्छी खासी मात्रा में मौजूद होती है। मिलेट्स के बारे में आपने सुना जरूर होगा, लेकिन शायद आप लोगों को ये पता ना हो कि मिलेट्स में कौन कौन से अनाज आते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मिलेट्स में कौन कौन से अनाज आते हैं और प्रोटीन और विटामिन से भरपूर होते हैं। इसमें से एक है जौ। जौ को भी आप अच्छी तरह जानते होंगे। जौ प्रोटीन, विटामिन, ऊर्जा और खनिज का मुख्य स्रोत माना जाता है। इनमें फाइबर, थायमिन, राइबोफ्लाविन, फोलिक एसिड, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और बी कैटोरीन जैसे कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं। मोटापा कंट्रोल करने, गठिया और दिल की जुड़ी बीमारियों से बचे रहने के लिए मिलेट्स को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। दूसरा है बाजरा। जी हाँ, इस मिलेट में कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले फाइटोकेमिकल्स मौजूद होते हैं। इसमें फोलेट, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक और विटामिन ई और बी कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। अन्य मिलेट्स की तुलना में इनमें ज्यादा प्रोटीन होता है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यह डायबिटीज को भी कंट्रोल करने में मददगार है। बाजरा एनीमिया के इलाज में भी फायदेमंद है। अगला है रागी। रागी ग्लूटेन फ्री होता है। यह प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन सी और विटामिन डी जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। एंटीऑक्सीडेंट की भी अच्छी खासी मात्रा मौजूद होती है। इसके सेवन से डायबिटीज कंट्रोल करने में मदद मिलती है। यह पाचन संबंधी समस्या से भी राहत दिलाने में मददगार है। अगला है कुटकी। यह मिलेट भी ग्लूटेन फ्री होता है और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, फास्फोरस, आयरन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी और विटामिन डी का बेहतरीन स्रोत माना जाता है। इसे खाने से पाचन सही रहता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, मोटापे कंट्रोल में रहता है और हार्ट भी हेल्दी रहता है। मिलेट्स के बहुत सारे फायदे हैं। इस वीडियो में मिलेट्स के फायदे मैं गिना नहीं सकता। हालांकि आपको ये पता होगा कि मिलेट्स ही है जो पाचन को सही रखता है, हड्डियां मजबूत करती है, वजन कम करने में भी सहायक होता है। हार्ट के लिए तो फायदेमंद है ही, एनीमिया के मरीजों के लिए भी फायदेमंद होता है। डायबिटीज को भी ये कंट्रोल करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। तो आप भी आज से ही मिलेट्स खाना शुरू करें और अपने डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में मिलेट्स को यानी मोटे अनाज को शामिल करें और स्वस्थ रहें, आनंद रहें। नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार। न कोई शोर, न आगे बढ़ने की होर, मौलिकता के साथ सिर्फ सच्ची और बड़ी खबर टीडी न्यूज पर। तो देखते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें टीडी न्यूज बिहार। नमस्कार।